सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और सुबह सुबह मैं आपको ऐसे मस्त रेडी दिख रही होंगी, तो ये मैं मस्त रेडी हुई हूँ माता रानी की वजह से। तो मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ गाइस, और आज मेरा सेकंड फास्ट है। और पता नहीं कल के व्लॉग में मैंने विश किया था कि नहीं सभी को, तो मैं आज विश कर देती हूँ कि सभी को शुभ नवरात्रे। माता रानी आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए। और आफ्टर नवरात्रि यानी कि अष्टमी के बाद अपन मस्त मस्त बर्गर, पिज्ज़ा, ये मोमोज सब ठूस ठूस के मोटे हो जाएँ, मेरे को छोड़ के बाकी सब हो जाए, कोई बात नहीं। पता है कि पारू पारू का सीन आजकल ऐसे चेंज हो चुका है, पारू पारू यहाँ चला गया है, यहाँ से हटके। तो ये पारू पारू यही चलता है दिन रात, ऐसे आदमी को बिल्कुल रत्ती भर भी शर्म नहीं है। ठीक हो गया क्या? क्योंकि गाइस मेरे को बस 2600 रुपए डलवाने थे पैर में, थोड़ा थोड़ा वो भी चला जाएगा। और रीजन पता है क्या था? पैर मतलब स्वेलिंग आने का पैर पे और पेन होने का, सोच नहीं सकते आप। जल्दी बताओ, एक्सरे करा दिया बेमतलब में। रीजन था कि मेरे को और मेरे पापा को ना मतलब ये दिक्कत है पहले से ही, हमारे जो नेल्स होते हैं ना पैर के, वो है ना मतलब स्किन के अंदर, जैसे ये नेल है आगे से, तो वो स्किन के अंदर घुस जाता है अंदर। तो जब स्किन के अंदर घुसता है ना, तो वो स्किन को डैमेज करता है और उससे स्वेलिंग आती है और जख्म बन जाता है। तो वो मेरा जो नेल है ना, वो स्किन के अंदर घुस गया था, तो कल मैंने काटा है उसको यहाँ से, तो अब थोड़ा सही है, दर्द वर्द भी अब थोड़ा कम है। हार्ट शेप वाली उंगलियां बिल्कुल ठीक है दोनों? हाँ, अब ठीक है बिल्कुल। बता देते, कह रहा है उंगलियां देख के इनकी, ये आगे वाली कह रहा है, यो क्या जुगाड़ है, यो क्या जुगाड़ गया अंदर नहा के। तेरे को तो बिल्कुल शर्म है नहीं ना, रात भर इसने मेरे सुबह काटा भी, ये देख लो, दिख रहा है इसने सुबह मुझे काटा है यहाँ पे फिंगर पे, ये देख रहे हो सब इसके कारनामे है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसको, तुम पे गया बिल्कुल। लाए पर तेरा लुक तो दिखा दूं मैं, ये देख लो गाइस, यशु का लुक, ये देख लो पूरा लुक, देखो जो पीछे हो ना जरा पीछे लोगों को भ्रमित करती है, ये लोगों को भ्रमित करती है। ऊपर ऊपर से पहन लेते हैं बढ़िया कपड़े, नीचे देख लो जरा क्या पहन रखा है। गर्मी लगती है पैंट पहन के, तो उसमें क्या बात हो गई? मैंने लोअर पहना था कि कंफर्टेबल रहे, पूरे दिन पहन के रखती हूँ ना आजकल, खाली 1 घंटे पहन के नहीं निकाल देती ना, तो मैंने इसलिए पजामा पहन लिया नीचे। और आज का जाने का प्लान है फिर? आज कहीं भी नहीं जाऊंगा। क्यों? आज मेरा व्रत है ना, कल भी था। वो बिना घूमे घर नहीं जाएगा अपने, आज से घर भेजूंगी, बहुत घूम लिया हो। ओ भाई, कपड़े कुपड़े पैक कर लिए, आज तुझे पहुंचा जाऊंगी स्टेशन पर। इसकी मम्मी ने कोई कॉल लगा, कपड़े कुपड़े बांध लिए अपने, कपड़े लगते मन जाता यार, मन जाता क्या, पैंट तो पहन ले भाई, उसका मन लग गया तगड़ा। उसका मन सच में नहीं है जाने का, मन तो हमारा भी नहीं है भेजने का, बट आपको पता है अभी वहाँ पे भी, क्योंकि ये सारी चीजें देखता है और गांव में कोई सुविधा नहीं होती गांव से बाहर जाने के लिए, तो बुआ को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यही चलाता बाइक वगैरह। फूफा जी को मेरी बाइक चलानी नहीं आती। आपको आज के समय के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे फूफा जी को नहीं आती बाइक चलानी। तो अगर कोई भी दिक्कत होती है या फिर मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाना है बुआ को, या कोई दिक्कत है, तो फिर दिक्कत हो जाती है यार वहाँ पे। क्योंकि पहले के टाइम में जब हम, मैं छोटी थी, तो वहाँ पे वो चलता था घोड़ा तांगा, लेकिन अब वो भी नहीं चलता। घोड़ा तांगा भी चलता था वहाँ पे? घोड़े तांगे में ही आते थे हम लोग गांव में, घोड़े तांगे में बैठ के। क्या बात, बड़े मजे आते थे, बताए पुराना टाइम। मेरी बेटी के ऊपर भी तो बैठ के कोई जाएगा घूमी घूमी करने, कल आपके जैसे एक बिल्ली भैया मिले थे वहाँ पे आपके बिल्ली भैया मिले थे। आजकल व्लॉग एंड नहीं हो रहा है, लोग बोल रहे हैं आधे अधूरे से व्लॉग बना रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं है व्लॉग में। अच्छा, उठ के ना व्लॉग भी मैं शुरू करती हूँ, डुगू को कोई मतलब नहीं है व्लॉग शुरू करने से, झूठी कहीं बस अपनी जिंदगी में मस्त है। एमटीवी रोडीज खत्म हुआ है कल, भगवान का नाम लेके उसके पीछे पागल भाई, बिग बॉस कल से ही, बिग बॉस चालू, बता दे कौन कौन। इस बार फिर से इतने सारे वो ले लिए, क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स, और यूट्यूबर्स में मेन, क्योंकि बिग बॉस वालों को समझ आई, बिग बॉस वालों को समझ आ चुका है कि कहाँ से टीआरपी आएगी, कहाँ से लोग शोज को देखने आएंगे। पिछली बार उन्होंने एल्विश और फुकरा इंसान को ले लिया था, इस बार उन्होंने UK07 को ले लिया। अब और मुनव्वर तो पता है आपको, मतलब मुनव्वर तहलका प्रैंक और UK07, तीन लोग ऐसे ले लिए, बाकी तो टीवी इंडस्ट्री से है। लेकिन इस बार का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, लेकिन कपल्स भी आए, कपल ज्यादा लिए इस बार, तो देखते हैं गाइस इस बार क्या होता है। वैसे मैं चाहती नहीं कि इस बार देखूं मैं, तो देखते हैं बाकी क्या रहता है। और अभी फिलहाल मेरे को ये हो रहा है कि मेरे को कोई थोड़ा तो कुछ दे दो खाने का, चाहे वो बनाएगा आदित्य। हाँ, दूध है, चिंता नहीं है। हाँ, कल ले आया था ना वो दूध,
और कल हमने बनाया आदित्य के लिए आज इडली सांभर। गाइस मुझे बताना कि पहली बात कि आप लोग व्रत में कुट्टू का आटा खाते हो या फिर आप सिंघाड़े का आटा खाते हो या फिर राजगिरी खाते हो, और किस किस के उधर राजगिरी मिलता है, क्योंकि मेरे हरिद्वार की तरफ पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी मिलता होगा तो, क्योंकि मैंने राजगिरी सुना ही यहाँ पे है, मतलब कि राजगिरी का आटा। तो राजगिरी का आटा जो है वो ठंडा होता है, जैसे कि अपना कुट्टू जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो स्टमक को ऐसे मतलब आपके पेट में वो कर देता है ना, टाइट कर देता है टमी को, तो वैसा सिस्टम है। शर्ट पहन के जा भाई, तेरी बहन बोल रही है कपड़े पैक कर ले। तू शर्ट पहन के क्यों आ गया और जींस है, कहाँ से जा रहा सुबह सुबह घूमबन तू? खत्म हो गया स्पेशल आईडी है, है? अरे बहुत है इसमें, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो सुबह सुबह कितने यारों के आ गया, कहाँ से जाना, कहाँ जाना तुझे? कौन सी लंडी ने बुलाया तुझे, हैं? कौन सी लंडी ने बुलाया, पूजा कराया? हाँ। कर ली पूजा, टीका लगा के नहीं आया? टीका लगा थोड़े पे टीका नहीं कर लगा के नहीं आया तू? बातें ऐसी हैं इसकी, हराम ना देगी सुबह सुबह बजा दू। तो चलो गाइस अभी फिलहाल चाय बना रहा है, चाय बनाएगा हमारा भाई और मैं वो चाय पिलाएगा, और उसके बाद आज की इनकी दोनों के खाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, डुगू की है। डुगू ने इसको बोला है कि इडली सांभर बनाएंगे, डुगू आपको पता है मेरा तो फास्ट है तो मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, तो बस आज का अगर किचन गंदी की और फैलाया तो दोनों का हाल खराब कर दूंगी आज। हाँ, ठीक है। हाँ, सोच लेना, इसका तो कर ही रखा है मैंने। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलूंगी मैं, ठीक है? गर्मी लग रही है मम्मा को, ठीक है थोड़ी देर में मिलेगी। और मैंने चोटी बना रखी है, जब से आप लोगों ने बोला कि अच्छी लगती तो मैंने छोटी सी चोटी बना ली अपनी, देखो क्या हो रहा है ये, है क्या बदतमीजी है ये, ऐसे लड़की को छेड़ते हैं क्या? ओ साहिब ऐसे छेड़ते हैं क्या लड़की को? साहिब मम्मा का दुपट्टा छोड़ो, छोड़ो मम्मा का दुपट्टा। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा छोड़ दिया तगड़ी दिख रही है तगड़ी तो गाइस आज डुगू सांभर बना रहे हैं, क्या कहते हैं अपने लिए आदित्य के लिए, तो आज बन रहा है सांभर और इडली। तो अब देखो आज क्या निहाल होगा किशन का हाल, लेकिन मैंने सुबह इंस्ट्रक्शन दे दी कि अगर कुछ भी इधर उधर किया तो देख रहे हैं। डुगू बहुत होशियार है, कहते हैं आदित्य मुझे ब्लॉग शूट कर ले, एक काम कर जब मैं काम करूंगी तब शूट करियो, मैं आ रही हूँ तेज। मैंने कहा भाई तू शूट कर ब्लॉग, काम दिखा फोन कर रहा है, नहीं तेज तकड़ी तेज है खून पी लेंगे। सांभर सबको पता है कि मैं ही बनाती हूँ, इडली सांभर का सबको पता है कि मैं ही बनाती हूँ, खा के पता लगेगा कैसे बना। देखियो अभी ऐसे बिना खाए हम क्या कहते हैं, देख देख चाय ठंडी होगी। घर में भूत आ चुका है, हमारे गुड्डे अपने आप हिले जा रहे हैं, देखना अभी थोड़ी देर में हिलेंगे, देखना हिल अब हिल, अब क्यों नहीं हिल रहा। तो गाइस यहाँ पे हमारी इडली जो है वो बनने के लिए रेडी हो चुके हैं, बैटर आप देख सकते हो, ये है सांभर और ये है डुगू। कह रही भगवान इज्जत रख लेना, और किचन के हाल देख लो फैला हुआ, ये ऐसा हाल ना मेरे खाना बनाने पे नहीं होता, ये कुछ महापुरुष जो बनाते हैं उनके बनाने पे ही होता है। ऑल सेट? यस। ऑल सेट? यस। रेडी है? यस। शर्म भी नहीं आ रही, बीवी का फास्ट है, इडली सांभर बना रहे हैं ये, शर्म भी नहीं आती। ओ भाई बंद करो व्लॉग, यहाँ व्लॉग देखा जा रहा है गाइस, और यहाँ पे इडली सांभर रेडी है, तो मैं जरा आदित्य का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। बंद कर व्लॉग। चल भाई खा के बता भाई कैसा लगा, इसने बाहर का इडली सांभर भी खाया है, आज ये खाएगा घर का इडली सांभर, फिर ये बताएगा कि कैसा लगा है इसको। जैसा लगा? उससे सॉफ्ट है ना इडली, बड़ी वह ज्यादा हल्की थी, वो हल्की थी तो फिर वो चावल सूजी की होगी, फिर वो बड़े बंडे सूजी की होगी, फिर वो सही से बता, कते खतरनाक बनने भाई, पता खतरनाक बन रहे। चलो ठीक है भाई, पसंद आ गई लड़के को इडली, मेरा बनाना सफल हो गया। खाल देख ले व्लॉग। गाइस जो मैं आपको बोल रही थी ना कि हमारे यहाँ पे भूत आ गया, ये टेडी बियर हिल रहे हैं, पता क्या कहाँ आ गया था भूत, ये देखो भूत अंदर, ये भूत दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये रहा भूत, ओए भूत बाहर आ बदतमीज़ सा,
नीचे आ, चल ये देख लो भूत, चल यहाँ से निकल। इतनी क्यूट क्यूट हरकतें क्यों करते हो आप? यहाँ से यहाँ चढ़ा और पीछे घुस के जाके और सो गया आराम से। तो गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ आदित्य को लेके। हमारे यहाँ पे पीछे एक बहुत ही हैंडमेड बर्गर मिलता है, मतलब उसके बन भी वो खुद बनाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है वो। और हम आप लोगों ने पहले देखा हुआ है वो बर्गर, जो मैं बहुत पहले से फॉलो करते हैं, हम कई बार जाते थे वहाँ पे। तो अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ उसको बर्गर खिलाने के लिए। और यशु यरी, इसको बहुत ही गंदा सपना आ गया था तो ये अभी रोते रोते उठी है। बीच में कुछ ऐसे हाथ हाथ हिला रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, आदित्य यहाँ पे बैठा हुआ था वो भी हंस रहा था इसको देख के। मैंने कहा पता नहीं, हम सोच रहे थे दोनों कि इसको क्या हो गया, ये सो गई थी अभी बीच में। तो अब जाके ये उठी है, फिर कह रही है मेरे को भूत ने पकड़ लिया था सपने में। किसने पकड़ा था? भूतू ने। कैसे पकड़ा था? एक भूतू वाली गाड़ी थी, उसने पकड़ा था गाड़ी ने मम्मा को। गाड़ी ने पकड़ा था, चलो ठीक है। फिर जाए हम अकेले, तू रह लेगी अकेले? मंजुली का लग रही है बिल्कुल आंखें। बिल्कुल मंजुली को लग रही थी बाबू बिल्कुल। और इसने बहुत परेशान किया हुआ है, सही बता रही हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा। अलमारी के ऊपर जाके बैठ रहे हैं गाइस। मेरे को डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखा दो। क्यों मेरे को क्यों गाड़ी भूतू बन के काटने आती है? बहुत डर लग गया, बताए मैं रो रहा था उठने के बाद, मैं रो रहा था। अगर किसी ने भी ओवर एक्टिंग बोला ना इस टाइम, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। उसके मुंह पे बहुत अलमार दूं तो वैसे मैं माता बनी हूँ, मैंने व्रत रखे हैं पूरे। माता होती है जब वो सच बोलती होती है। माता को भूतू ने ऐसे किया था गाड़ी बन के, मेरे पास आ गई थी बाबू, और मैं चिल्ला चिल्ला के तुझे बुला रहा था लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तो काम कर रहा था ना, क्योंकि एक दिन मैं मर जाऊंगा, तेरे को बुलाऊंगा, तू नहीं सुनेगा। फिर बकवास, फिर बोलेगी माता को मार रही है। जो बर्गर हम लोग खाने गए थे वो तो मिला नहीं, अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसको लेके आई हूँ बर्गर किंग पे। तो चलते हैं, और हालत देख लो हमारी, फिर से हम आ गए चप्पल में। कह रहा मेरे को पकड़ाओ मैं लेके जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है भाई चल। तो हमने लिया यहाँ पे, इसके लिए लिया है वूपर, मैंगो शेक और कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज एंड नॉर्मल बर्गर। तो इसने पहली बार वूपर खिला रही हूँ मैं इसको, कैसा लग रहा है? बड़ा कितना है ना? बहुत। मैडम को यही जगह मिली थी सोने की, यहीं पे जगह मिली थी क्या? यहीं पे छोना है क्या आपको? और कहीं पे नहीं छोना क्या? उठ जाओ, उठ जाओ, आके देख हरी। ये पकड़े कैसे ले जा बतरी थोली चल। तो गाइस हमने ये प्लान किया था, फाइनली ये भूपर भूपर खा के आ चुके हैं गोबर भर के। और मेरे चल कैसे रही देख रहा हूं, मैंगो शेक पी लिया किसी ने मेरे में, नहीं शर्म भी नहीं है, मैंगो शेक भर लिया। मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, ओ भाई भाई तुम्हारे पिछवाड़ा में दर्द, जब तुम मेरे बिना तुम वो पी लोगे मैंगो शेक, आके देख लो जरा। आमी मंजोली का। तो हमने सोचा था भाई कि हम आदित्य का एक चैनल बना देंगे जहाँ पे ये लोगों को हंसाएगा। चैनल क्या बनाएंगे अब तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बोलता तो ये है नहीं, बोलना यो पे आवे ना, बोलता यो है ना, चैनल बना के क्या ही करेगा, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ जय आसा, है नहीं तू इस लायक, है नहीं तू इस लायक सांडा सा। तो अगर चैनल बना भी तो उसका नाम रखना पड़ेगा गूंगा चैनल, क्योंकि बोलता ही नहीं है कुछ। देख लो दिखाना शक्ल इसकी जरा, ही ही की बढ़िया, ये बोलते क्यों नहीं तू? कितना बोल दूँ रोज तो बोल लूँ। क्या बोला? अब देखो सो कैसा, एक बार दिखा दो कैसे सो रहा है, एक बार दिखा दो तू रहे बता के कैसे सो गया। देखो नाइट ड्रेस हमारी लौटी है, नाइट ड्रेस देख लो सो के तेरा जींस डाल के, जींस और शर्ट कह रहा। अब मुझे क्लीन आओ, इक्के नहीं आओ तुझे, जींस पहन के नहीं आओगी देख लो। इसे कह रही हूँ पजामा पहन के सो जा, पजामा पहन के, मुझे ठंड ठंडा लगा मुझे तो। ये आगे देख तेरे बराबर में तुझे सो रहा है,
तो गाइस अगर आपको पता है ये मेरा तो फास्ट है, तो मैंने तो अपनी खाना खा लिया था, और खाना खा के पता नहीं आज तुमने लास्ट वाले पराठे में कुछ मिलाया था मुझे लग रहा है। उसको खाने के बाद ना मुझे ऐसे नींद आई जहरीली वाली, और मैं यूं हो गई बिल्कुल, पता ही नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ, ऐसे पड़ी हूँ मैं। तो गयो भाई देख तेरे पीछे निशाना लगा रखा उसने बिल्कुल, तुझे नहीं बख्शेगा वो। अब तू गया काम से, अब गया तू काम से, तू गया काम से, गया तू काम से, बस गया गया गया, आ गया आ गया आ गया आ गया गया आदित्य गया, तेरे मुंह पे, तेरे मुंह पे थप्पड़ है सीधा आदित्य, बस बस जा 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 साहिब जा, बोल थप्पड़ मार के बोल, बोला कर व्लॉग में, साहिब कर दे काम इसका, साहिब जा काम कर दे, साहिब जा आराम, ज्यादा नाक कटाएगा मेरे। हाँ गया। तो गाइस अब मैं ऐसी बात थी कि मैं तो सो गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी, बहुत ही तेज नींद आ गई थी मुझे, मैं सो गई। उसके बाद ये आए, मतलब आए क्या, ये कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पे, उसके बाद लैपटॉप पे काम वाम करने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि भाई आदित्य को लेके जाना है बर्गर खाने, तो बर्गर खाने जाने वाले थे ये जेपी नॉर्थ की साइड पे, तो वहाँ ये गए नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो था ही नहीं बर्गर बर्गर वाला, फिर कहते हैं बर्गर किंग चले गए हम। अब वहाँ का सीन तो आपको पता ही होगा, शूट किया होगा, तो और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आए। पीछे से मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, आजकल आप लोग शिकायत भी कर रहे हो पारू पारू नहीं हो रहा, पारू पारू नहीं हो रहा, पारू पारू क्या, मारू मारू भी नहीं हो रहा, आजकल लड़ाई झगड़ा भी हमारा कम ही हो रहा है, आज थोड़ा सा हो गया था लड़ाई झगड़ा, किसी बात पे, किस बात पे लड़ रहे थे हम, नहीं फोन के ऊपर, हाँ फोन के ऊपर, काम ही जब फोन का है तो मैं इसलिए डांट रही थी इनको कि फोन हाथ में 24 घंटे क्यों रखते हो। मेरी मजाक बना रहा है तो मैं थोड़ी साहिब मेरा बदला ले ले साहिब, साहिब बदला ले ले मेरा, दिमाग खराब मत करो ज्यादा, बहुत दिमाग खराब कर रखा है आपने, उसको बाद में देखूंगा आदित्य को, अभी सोए तो दो ही से फिर मारूंगा उसके रापट रापट रापट, मैं जरा नींदों में से उठाऊ, मैं अच्छे से हाथ नहीं क्या पुपू सी कर रहे, इसलिए तो नहीं पुपू तो इसने कर दी, छाती पे चढ़ा पता नहीं कौन बंदा खोला एकदम, सोचा पता नहीं कौन है, पता नहीं से कौन है। आजकल यहाँ पे यही सब चलता रहता है, यहाँ पे इन दोनों की गेम चलती रहती है, ये ऐसे घूरता रहता है बैठ के, वो वहां से घूरता रहता है बस। तो भाई यार इतने की मम्मी ने खूंपी रखा है फोन कर करके इसे, मेरे पास तो करती नहीं है कि भेज दे टिकट करा दे, आदित्य के पास करती रहती है फोन,
आ जा, कल को आओगा, जी लग गया तेरा मासी, घर का आने का जी नहीं कर रहा क्या? मैं ऐसे कह रही कल, मैंने कहा माई तेरी कल की टिकट करा दूँ क्या? पहले कह रहा सारा जब जी करे तब करा दूँ, मैंने कहा कल करा दूँ, ना कल की नहीं कराई। तीन चार दिन भी होगा वो हमारी मम्मी देख रही है। क्या 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 तीन चार दिन की और बात है, मम्मी देख रही है रूप आगे वहीं मर रहा। क्यों रहने सकते हो तू यहाँ जी? चार मुंबई का अपना तजुर्बा तो बता दे, कैसा रहा तेरा तजुर्बा मुंबई आके घूमने का रहने का, कैसा लग रहा सेट यहाँ पे? क्या 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 अलग लगा तुझे यहाँ पे आके? लंबी लड़ाई से निकाल दूंगा आराम चौधे, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आंसर कुछ और देगा देख लो। तो गाइस आज का दिन आपने देख लिया हमारा कैसा था, और आज नवरात्रि का सेकंड डे जो कि बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कल है नवरात्रि का थर्ड डे, और कल होपफुली हम लोग बीच पे भी जाएंगे, और अगर टाइमली वापस आ गए तो मैं आपको शाम को नीचे गरबा होता है वो भी दिखाएंगे, गरबे की परफॉर्मेंस चलती रहती है ना, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे कोशिश करेंगे, और कल इसे समुद्र और दिखा लाते हैं पास से, बीच नहीं देखा इसने क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन रात हो गई तो बीच नहीं देख पाया ठीक से, तो दिखा देंगे अब कल। और बाकी सही बताओ जाने का दिल इसका भी नहीं कर रहा, तुम लोगों से बाहर नहीं कोशिश मत करो बेचारे को। कोई बात नहीं यार, जब तक यहाँ हमारा भी थोड़ा मन लग रहा है, फिर जब जाएगा तो हमारा थोड़ा मन इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन आके यहाँ पे कुछ ना कुछ जोक से करता रहता है। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बहुत सारा प्यार दो हमारे ब्लॉग्स को, और भाई कमेंट बॉक्स में बोल दो कि इसे बोला करे ब्लॉग में कुछ, चल बोल ले कुछ अब तो बोलो, तो बोलते हैं मन्ने सारा मन्ने ही ब्लॉग एंड करे हो, ब्लॉग तो नहीं एंड करा सारा, चलो इन्हें एंड करा ब्लॉग, चलो गाइस टाटा बाय बाय गुड नाइट।